आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश में फिर वन विभाग के कर्मचारियों पर उठी उंगलियां। आदिवासी परिवार ने मारपीट कर घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। मामला है अलीराजपुर जिले के बलेडी गांव का, जहां आदिवासी परिवार ने वन विभाग के अमले पर आरोप लगाया है कि विभाग के कर्मचारियों की टीम ने उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और मारपीट भी की। वहीं मामले में वन विभाग के अधिकारी केवल ये कहते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, केवल ग्रामीण को समझाइश दी गई है। वन विभाग का कहना है कि मकान फॉरेस्ट जमीन पर अतिक्रमण करा हुआ है। मामला अब थाने तक जा पहुंचा है। आदिवासी परिवार ने जोबट थाने में फरियाद लगाई है कि वन विभाग ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। रविवार को बलेडी गांव में रहने वाले नाहर सिंह ने जोबट थाना पहुंचकर वन विभाग के खिलाफ आवेदन दिया है। ग्रामीण का आरोप है कि वन विभाग ने बिना सूचना दिए उनके घर में बलपूर्वक घुस गए और उनके घर में तोड़फोड़ कर मारपीट भी की। मामले में वन विभाग का कहना है कि टीम केवल समझाइश देने पहुंची थी, ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वन विभाग के अनुसार जिस ग्रामीण ने आरोप लगाया है उसका कहना है कि वो कई सालों से यहाँ पर निवास कर रहा है, लेकिन वन विभाग का कहना है कि फॉरेस्ट की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। मामला अब थाने तक जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। क्या घटनाक्रम हुआ आज आपके गांव बलेडी में? बलेडी में ये मेरा घर रहा, तीन फॉरेस्ट वाले नाकन थोड़ा ये बोल रहे अतिक्रमण में, अतिक्रमण में नहीं है। और मेरे पापा को भगा डेढ़ किलोमीटर तक भगाए, वहाँ से फिर घिस के लाए और मेरे को भी भगा दिया और मारा बैंक मेरे पापा को, और मेरी लाड़ी को भी खींची, हाथ पकड़ के खींच खींच के मारा। कितने पुलिस वाले आए थे यहाँ पे? यहाँ कम से कम 10-12। और क्या कर आपके घर के? फिर बाद में तोड़ फोड़ कर दिए, पाइप भी तोड़ डाले, पत्रे भी उखाड़ दिए साइड से, फिर बाद में मारपीट भी करी। इसकी सूचना आपको उन्होंने पहले दी थी? नहीं दी थी।